यह कक्षिया बावल गुजराती में जिसे बोलते हैं बबुल का पौधा, जिसका दातुन भी किया जाता है। तो ये प्लांट को मैंने पहले एक वीडियो डाला था कि मैंने ट्रिमिंग किया था इस सीज़न में, मैंने उसका रिपोर्टिंग नहीं किया है। तो यहाँ ग्रोथ नहीं है क्योंकि ये दो वाइगर या सेक्रीफाइस ब्रांच की तरह बढ़ रहा है, तो मुझे यहाँ ट्रिमिंग करना पड़ेगा। उसको भी ट्रिमिंग कर देता जिससे यहाँ कुछ ब्रांच आए और यहाँ भी ग्रोथ चालू हो जाए। यहाँ भी मुझे कुछ ट्रिमिंग करना पड़ेगा। ट्रिमिंग से दूसरा ग्रोथ एनकरेज होगा क्योंकि ये ब्रांच यहाँ से निकल आई तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो उसे मैं पूरा ही हटा देता हूँ क्योंकि बेंडिंग की वजह से सारा न्यूट्रिशन इस बर्ड में ही चला गया है। तो यहाँ हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा न्यूट्रिशन, तो ऐसे ही मैं प्रोनिंग कर दूँगा। यहाँ दो ब्रांच हो गए हैं, मैं इसे जैसे ही मैंने बोया था ये सीडलिंग के रूप में सेपलिंग ले आया था मैं ऐसे ही वाइल्ड हार्वेस्टिंग से। 11 थे, अभी केवल थोड़े ही बचे, 8 बचे हैं। रिपोर्टिंग में चला गया था ये, तो यहाँ भी ग्रोथ नहीं मिल रहा तो मैं उसे भी हटा दूंगा जिससे यहाँ कुछ ग्रोथ हो जाए। थोड़ा केयरफुली काम करना होता है, इसके कांटे भी होते हैं। तो देखिए यहाँ से ग्रोथ हो चुका है, ग्रोथ यहाँ से हुआ है बेंडिंग के नीचे से, और यहाँ हमें ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो हमें यहाँ से ब्रांच हटा देता हूँ। ये ब्रांच भी अंदर है इसी ब्रांच के साथ, तो मैं उसी को भी हटा दूंगा जिससे ग्रोथ बैलेंस में आ जाए। ग्रोथ केवल नए ब्रांच में हुआ है, यहाँ ज़्यादा वायर बाइट भी नहीं हुआ, इसलिए वायर रिंग भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैंने ट्रिमिंग कर लिया। मिलेंगे अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।